गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक वुड बी प्लानिंग प्रोसेस। हमने इम्पॉर्टेंस, फंक्शंस, मेरिट, डीमेरिट सब पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया। अब प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले प्लानिंग में हम जो करते हैं वो है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मे बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या है कि हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव होता है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव भी होता है और यूनिट वाइज भी हो सकता है। वो आपके ऊपर कि आप अपने प्लान्स को कितने स्मॉल पार्ट में डिस्कस करके या डिवाइड करके उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना रहे हो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के लिए। ऑब्जेक्टिव और गोल्स स्पेसिफाइड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव। इट कुड मीन एन इंक्रीज इन सेल्स बाई 20%, विच कुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ ऑल डिपार्टमेंट्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज द प्लान दैट इज टू बी ड्रॉन अप। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स हमें 20% बढ़ानी है। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना प्लान बनाएंगे कि कैसे हम ये सेल्स को 20% बढ़ाना है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। अब बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे इसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टार्टेड क्लियरली फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स देन नीड टू सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी। एक बार प्लानिंग का डायरेक्शन मिल गया, गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो स्टैब्लिश हो गए, उसके बाद हर एक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से उस प्लान को अचीव करने के लिए अपना प्लान बनाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रमाइसिस। इसका क्या मतलब हुआ, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन एंड एवरी प्लानर इज यूजिंग कंजेक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर। देयरफॉर द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। दीज अजम्पशंस आर कॉल्ड प्रमाइसिस। ठीक है, जैसे कि जो अनसर्टेन इवेंट्स, जो चीज़ें मिस हैपनिंग या जो भी फ्यूचर में अकर हो सकता है, मैनेजर एक उसका लमसम अनुमान लगा के रखता है। उस अनुमान लगाने को कहा जाता है डेवलपिंग प्रमाइसिस। अजम्पशंस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। कुछ बेसिक अजम्पशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शादी का सीज़न आएगा तो उसमें अजम्पशन बना के बैंक्वेट हॉल्स अपना रखते हैं कि किस तरीके से हम कैसे सर्व करेंगे, क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसके बेस पे कुछ चीज़ें जो वो मान के चलते हैं उसको बोला जाता है डेवलपिंग प्रमाइसिस। द प्रमाइसिस और अजम्पशन मस्ट बी द सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन देम। All managers involved in planning should be familiar with the same assumption. जो भी assumption लिया गया है वो सारे departments जो अपने plan बना रहे हैं उनको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि assumption जो है और जो main objective है वो एक ने बना के रख लिया और बाकी जो department अपना plan बना रहे हैं उसको achieve करने के लिए उनको ये assumption पता ही नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबको ये अजम्पशन वहाँ पर पता हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, अजम्पशंस आर मेड, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन देम। एक बार सेट हो गया ऑब्जेक्टिव, प्रमाइसेस बना दिए गए, अब होगा उस पे प्लान पे काम करना। देयर मे बी मेनी वेज टू एक्ट एंड अचीव ऑब्जेक्टिव्स। All the alternative courses of action should be identified. The course of action which may be taken could be either routine or innovative. An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. If the project is important, then more alternatives should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. अब क्या होगा, जब developing premises हो गया तो उसके बाद काम करने के तरीके देखे जाएंगे। ठीक है, और उस तरीके को इनोवेशन से कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे फ्रेम करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू वे दी
pros and cons of each alternative. Each course will have some variables which have to be weighted against each other. The positive and negative aspect of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved in financial plans. अब क्या हुआ, हमारे पास गोल अचीव करने के लिए चार तरीके का एक्शन है. मतलब गोल जो हमने अचीव करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए बहुत से तरीके हमने यहाँ पर सोच लिए. अब उन सारे तरीकों का यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है. मतलब कि इसको अगर प्लान फर्स्ट को हमने अगर अडॉप्ट किया तो उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होगा. फिर प्लान बी का हम सोचेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा. फिर प्लान सी का सोचेंगे, फिर प्लान डी का सोचेंगे. तो यहाँ पर सबके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे इफ़ेक्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव. दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड. द आइडियल प्लान ऑफ कॉज वुड बी द मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. यहाँ पे जब हमने सबके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए तो यहाँ पर अब हमें उन सब में से जो चार या पांच प्लान्स हमने बना रखे थे उनमें से जो सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट देगा हम उसे वहाँ पर अडॉप्ट करने का सोचेंगे. मोस्ट प्लान्स मे नॉट ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू अ मैथमेटिकल एनालिसिस. इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड द मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट एंड एट टाइम्स इंट्यूशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेलेक्टिंग द मोस्ट ऑल्टरनेटिव वेरिएबल. कई बार मैनेजर्स की जो स्किल है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, उसके बेस पर हम प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके फिर एक बेस्ट मेथड जिससे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. मतलब कि दिस इज़ द स्टेप वे अदर मैनेजेरियल फंक्शन ऑल्सो कम इन टू द पिक्चर. दिस स्टेप इज कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन, doing what is required. For example, if there is a plan to increase production, then more labor, more machinery will be required. This step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. अब क्या हुआ, जब प्लान एक बन गया तो उस प्लान को अब वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा. लेकिन इम्प्लीकेशन के टाइम पे हो सकता है कि और भी जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इन्वॉल्व हो जाए. जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए. अब रॉ मटेरियल चाहिए तो वो अरेंजमेंट कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा. मान लीजिए कि वहाँ पर हमें फंक्शनिंग चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, तो ये सब चीज़ें कौन अवेलेबल कराएगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अवेलेबल कराएगा, है ना. प्लान तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना लिया लेकिन अब उसको फंक्शनल करने के लिए और भी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. नेक्स्ट है आपका फॉलो अप एक्शन. इसका मतलब हुआ टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. मतलब कि जब प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं उसको मॉनिटर किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे फॉलो अप एक्शन. ठीक है, सो दीज 7 पॉइंट्स आर द प्लानिंग प्रोसेस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ज़रूर आता है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है प्लानिंग प्रोसेस. सो गो थ्रू इट थरली. ओके, टुमारो विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ प्लान्स.